हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा फैमिली टाइम विद कपिल के बारे में। जी हाँ, कपिल शर्मा करीबन करीबन 7 महीने बाद वापस लौटे हैं छोटे पर्दे पर, और इस बार उन्होंने कोशिश कर ली है कुछ अलग करने की, और वो अलग करते हुए नजर आए फैमिली टाइम विद कपिल में। नाम ही फैमिली टाइम है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि परिवार के लिए जो वक्त देने वाला, उस तरह से जो नाम है, यानी कि इस शो में गेम शो है। पहली बात तो कॉमेडी अफकोर्स है, गेम शो है मेनली तौर पर ये, और कॉमेडियंस थोड़ा थोड़ा आएंगे, हंसाएंगे। और सबसे अच्छा मुझे इस शो का फॉर्मेट का इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये फैमिली का पूरा जुड़ा हुआ शो है। यानी कि एक जो फैमिली का, जो आजकल सेक्लूडेड होते जा रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं रहते, या बहुत सारी चीज़ें फैमिली टाइम लोगों के पास नहीं है, हर कोई बिजी, जॉब पे कोई, बच्चा स्कूल में, हर जगह हर कोई बिजी है, तो फैमिली जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और संडे जो हम मिस करते थे बिना कपिल शर्मा के, वो संडे का जो यूटिलाइजेशन है वो कपिल ने हमें दिया। 8 से 10 तक ये शो देखा मैंने, और शो कमाल का लगा मुझे। ज़रूर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कहीं कहीं कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन पहले ही शो है, हम पहले शो में ही हर चीज़ें ये नहीं सोच सकते कि बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि हर कोई एक्सपेरिमेंट करता है, हर कोई कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करता है। कहीं ना कहीं मैं पुरानी टीम को मिस कर रहा था कपिल शर्मा के, जिनमें से कुछ लोग मुझे नज़र आए, मुझे चंदन प्रभाकर नज़र आए, मुझे किकू शारदा नज़र आए, तो ऐसा लगा कि शो में कुछ वापस से आ चुके हैं लोग, अच्छा लगा थोड़ा। और नेहा फिल्म से आपको बताऊँ, नेहा फिल्म से इस शो में जज रहने वाली है, जज नहीं, सॉरी माफ़ कीजिए, होस्ट रहने वाली है। यानी कपिल शर्मा अकेले ही इस शो को होस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये गेम शो है, नेहा फिल्म से उनका साथ देंगी। और कहीं ना कहीं कपिल शर्मा पहले एपिसोड से फ्लर्ट करते नजर आए नेहा फिल्म से। और यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि सिद्धू जी वापस अपने पोजिशन पर आके बैठ चुके हैं जज के, और पहले गेस्ट के जो शो के जो गेस्ट थे सबसे पहले वो अजय देवगन थे, और अजय देवगन ने साफ साफ कहा कि मैं अपनी फिल्म रेड का प्रमोशन करने नहीं आया क्योंकि ऑलरेडी पहले ही रिलीज़ हो चुकी है 16 मार्च को। मैं आया हूँ कपिल से मिलने, कपिल को ये बताने कि भैया तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम अपना टाइम वेस्ट कभी मत करना। तो एक बहुत बड़ी बात कह गए अजय देवगन, और काफ़ी बढ़िया बात कही है। नवजोत सिंह सिद्धू ने भी काफ़ी बढ़िया बात कही इनके बारे में, अजय देवगन के बारे में तो कही इनके बारे में कही, कपिल शर्मा के बारे में चंदन प्रभाकर ने भी ये कहा कि भाई मैं तो तुम्हारा अकेला दोस्त हूँ जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ जो भी वक्त हो, और किको भी आए 2-3 बार स्टेज पर हंसाने। यानी ओवरऑल मैं अगर ये चाहूँ कि एंटरटेनमेंट के हिसाब से मुझे कैसा लगा, तो मैं इसे ये नहीं कहूँ कि बहुत ही घटिया था, कुछ चीज़ें मुझे लगी थोड़ी सी बचपने वाली, लेकिन ठीक है, फैमिली टाइम विद कपिल एक अच्छा शो है मैं कहूँगा, और फर्स्ट एपिसोड के हिसाब से मुझे ज़्यादा भी बुरा नहीं लगा। मैं खुद चाहता हूँ कि इस तरह के शोज़ ज़्यादा है, तो फैमिली शोज़ है जो टेंशन मुफ्त मुक्त है लोगों का, मतलब थोड़ा सा हंसा है, गुदगुदा है, तो ऑडियंस के साथ जो खेलना वाला जो था, थोड़ा ऑडियंस के साथ जो बॉल फेंक के खेलना वाला, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये फन के हिसाब से बहुत अच्छा। आपने शो देखा होगा खुल जा सिमसिम, एक तक तो एक टाइम पर आता था अमन वर्मा का, सेम उस तरह का थोड़ा फॉर्मेट आपको लगता होगा, लेकिन उसमें कॉमेडी नहीं थी, इसमें कॉमेडी भी है, तो एक अच्छा लगा। आई थिंक कुछ जो खेल की कुछ चीज़ें जो मुझे पहले, जैसे पहला जो अगर आप देखोगे जो था तशरीफ रखिए, यानी कि बैठ के फुग्गा फोड़ने का, और दूसरा था कि अपनी वाइफ या जो भी गर्ल लेडी को उठा के फुग्गा उड़ाने का, फिर फुग्गा फोड़ने का, तो वो कुछ थोड़ा सा बचकाना लगा, बट ठीक है। उसके बाद वो स्कर्ट पहनना, पैंट पहनना, वो एक था। तो इस तरह से लास्ट में जो कार वाला था बम्पर प्राइज, जो कार जीतते हैं, वो एक बहुत अच्छा लॉजिक था। और यहाँ पे लूजिंग टीम को भी कई सारे मोबाइल्स या गिफ्ट वगैरह चीज़ें मिली, जो एक बड़ी बात है। मेरे ख्याल से पहला एपिसोड इसलिए लूजिंग टीम को भी निराश नहीं किया है, और एक अच्छा खासा एक एडवर्टाइजिंग के हिसाब से भी सही है, टीवी दे रहा या रेफ्रिजरेटर हर एक कंपनी का। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अभी का फर्स्ट शो थोड़ा सा रॉ लगा मुझे, मैं 100% नहीं, से वो बहुत अच्छा लगा। यानी कि जो कपिल शर्मा से हमें उम्मीदें है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम लगी, तो इसलिए अगर रिव्यू के हिसाब से मैं देखूँ फर्स्ट शो के, तो मैं इस पूरे शो को 5 में से 3 स्टार दूंगा, और उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा और कंसाइज हो, थोड़ा सा जो गेम्स में थोड़ा सा और मज़ा आए, और बाकी तो आई डोंट थिंक कुछ कमी है, बाकी अच्छा शो है, नया फॉर्मेट है, कुछ नया ऑडियंस को देखने को मिलेगा। और बोलते ना बदलाव ही, चेंज इम्पॉर्टेंट है, मतलब समय के साथ, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से कोई बुरा शो नहीं। आपकी क्या राय क्या है फैमिली टाइम विद कपिल के बारे में, जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिलहाल कितना ही।